ऐसा कुछ अलग नहीं है, मतलब बहुत ही सोशल कॉज है और एक 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 ह्यूमन ड्रामा है, इमोशनल है, ऐसा कुछ हटके अलग नहीं है, पर यह है कि एक कहानी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मैं उसका हिस्सा हूँ। आई थिंक आई एम रियली लकी। मनोज वाजपेयी के साथ में काम किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या सीखा? बहुत अच्छा रहा, वो तो मतलब बहुत ही उम्दा कलाकार है, हम सब जानते हैं, और उतने ही उम्दा इंसान है। उनसे मैं पहले से बहुत सीख रहा था, जब मैं एक्टर बनना चाहता था और फिल्म में आना चाहता था, और अब तो साथ काम कर रहा हूँ तो और भी सीखने का मौका मिला। मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा खास है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, तो आई एम जस्ट रियली ऑनर्ड कि मुझे यहाँ बुलाया गया है और अवार्ड अटेंड करने के लिए। तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कुछ अवार्ड मिल जाए इस साल, तो बहुत अच्छा रहे। और आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर और अंदर जाके देखता हूँ कि क्या होने वाला है। मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत 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 मायने रखता है, बिकॉज इसी के लिए हम काम करते हैं। और दादा साहेब फाल्के जैसा अवार्ड अगर मिलता है तो इट्स वेरी वेरी प्रेस्टिजियस, और अगर मुझे ये मिलेगा तो आई विल बी रियली हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ यंगिस्तान। My take is that I am Indian and I will perform in India, as in, you know, that's my take. But on a serious note, that's a very political thing. I would really not want to get on that. But it's acting, it's performance, it's creativity. So I don't think any boundaries should stop that. But I'm sure वो बड़े लोग हैं, वो decision ले सकते हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पहले ढंग, you know, अपना काम कर लूँ वही ठीक है।